हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं हम समझते हैं, हम समझते हैं खून का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं, क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं, हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं, चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं, बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं हम, बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं हम, हम बोलने की आज़ादी का मतलब समझते हैं, ठटपुंजिया नौकरियों के लिए आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं अगर बेरोज़गारी अन्याय से तेज़ दर से बढ़ रही है, हम आज़ादी और बेरोज़गारी दोनों के खतरे समझते हैं, हम खतरों से बाल बाल बच जाते हैं हम समझते हैं, हम क्यों बच जाते हैं यह भी हम समझते हैं, हम ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वह सिर्फ कल्पना नहीं है, हम सरकार से दुखी रहते हैं कि समझती क्यों नहीं, हम जनता से दुखी रहते हैं कि भेड़िया दशान होती है, हम सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं हम समझते हैं, मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी हम समझते हैं, यहाँ विरोध ही वाजिब कदम है हम समझते हैं, हम कदम कदम पर समझौता करते हैं हम समझते हैं, हम समझौते के लिए तर्क करते हैं, हर तर्क को गोल मटोल भाषा में पेश करते हैं हम समझते हैं, हम गोल मटोल भाषा का तर्क भी समझते हैं, वैसे हम अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं, हम स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं, हम चाय की प्यालियों में तूफान खड़ा कर सकते हैं, करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं अगर सरकार कमज़ोर हो और जनता समझदार, लेकिन हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं यह भी हम समझते हैं। ये जो समझ के ऊपर बुरा है ना, किनका है? गोरे पंडे जी का, थोड़ा सा बताइए क्या इनका, पटना से है? भोजपुर से है। हाँ, भोजपुर से आसपास है पटना के, कर सकते हैं।